सो आईएमएस आर्किटेक्चर, सबसे पहले हम आपको बताएंगे एलटीई आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बाद आपको आईएमएस आर्किटेक्चर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलटीई आर्किटेक्चर देखते हैं। एलटीई आर्किटेक्चर में क्या है, सबसे पहला नोड आपका क्या है, आपका मोबाइल फोन यूई, जिसको हम बोलते हैं यूजर इक्विपमेंट, ठीक है, यूजर इक्विपमेंट हम बोलते हैं इसको, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, आपका मोबाइल फोन पहला नोड, ठीक है। दूसरा नोड आपका हो गया ई नोड वी, जो टावर होता है आपका, टावर को हम ई नोड वी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ई नोड वी आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। फिर आप नेटवर्क में आएंगे, जो मेन नेटवर्क होता है, कोर नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं, कोर नेटवर्क में आपका एमएमई होता है, एसजीडब्ल्यू होता है, पीजीडब्ल्यू होता है, ठीक है, एचएसएस होता है, ओसीएस होता है, एमएससी होती है, एमएससी आपका 3G नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। और यह 4G नेटवर्क का ही दूसरा दूसरा कोई एमएमई, वो एसटीएन इंटरफेस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये पीसीआरएफ जो है चार्जिंग के लिए, इसकी फंक्शनलिटी होती है चार्जिंग का, चार्जिंग मीन्स आपका जो भी रिचार्ज होता है, जो पैसे कटते हैं फोन करने पे, वो ये कंट्रोल करता है, ठीक है, पीसीआरएफ। तो अब मैं इस सभी चीजों का फंक्शन आपको बताता हूँ। फिर पहले आप देख लीजिए, ये आईएमएस कोर है और ये एलटीई कोर है, ठीक है। एलटीई बोले तो 4G, 4G कोर, और ये तो ये आपका आईएमएस कोर, ठीक है। तो आईएमएस आपका क्या क्या बिलोंग करता है, ICSCF, SCSCF, और एक होता है आपका SBC, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, ठीक है। तो सेशन बॉर्डर कंट्रोलर में आपका PCSF आ जाता है, ATCF, ठीक है, एक्सेस ट्रांसफर कंट्रोल फंक्शन, एक्सेस ट्रांसफर गेटवे, IBCF, इंटरकनेक्शन बॉर्डर कंट्रोल फंक्शन, ट्रांजिशन गेटवे, ये सारी चीजें आ जाती है SBC में, ठीक है। सेशन बॉर्डर कंट्रोलर होते हैं, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर के लिए एंट्री पॉइंट होता है आईएमएस का, ठीक है। और ये आपका प्रोसेसिंग करता है, रजिस्ट्रार सर्वर होता है, जो रजिस्ट्रार सर्वर हमने बताया था, ठीक है, SCSF, टैस होता है, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, इसमें सारे सर्विस जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वो यहाँ से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। MRF होता है, मीडिया रिसोर्स फंक्शन, मीडिया रिसोर्स फंक्शन आपका कॉन्फ्रेंस कॉल होल्ड करता है, BGCF, ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन, ये आपका जो आप गेटवे की बात कर रहे थे वहां पे प्रॉक्सी में हमने एक दिन गेटवे का डिस्कशन हो रहा था, वो ये चीज है BGCF, ठीक है। NGCF मीडिया गेटवे, ठीक है, मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन, ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। PSTN नेटवर्क, ये PSTN नेटवर्क पे आपका ये डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं एक शीट दिखाता हूं, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट सब दिख रही है। इसमें हम देखते हैं पहले LTE, ठीक है, LTE नेटवर्क पे। LTE नेटवर्क में सबसे पहले आपका आता है ई नोड बी। द ई नोड बी इज द एलिमेंट LTE नेटवर्क दैट प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन यूई एंड मोबाइल कोर, ठीक है। ई नोड बी एक ऐसा नोड है जो क्या करता है कि मोबाइल कोर और ये मोबाइल और कोर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मोबाइल और ये कोर नेटवर्क, ठीक है, इन दोनों के बीच का एक गेटवे है ई नोड बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। ये होता है ई नोड बी, जिसे हम जनरल लेमन लैंग्वेज में टावर बोलते हैं, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए कि जो भी टावर्स होते हैं उसको ई नोड बी बोला जाता है, ठीक है। ई नोड बी किसी भी एक कोर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है, कोर नेटवर्क से जहां सारी फंक्शनलिटी कंट्रोल होती है, ठीक है। तो हम आते हैं ईपीसी, ठीक है, ईपीसी में आपका आता है एमएमई, एचएसएस, ओसीएस, ओएफसी, पीसीईएस, पीसीआरएफ, पीजीडब्ल्यू, एसजीडब्ल्यू, ठीक है। सबसे पहले एचएसएस पे आते हैं, एचएसएस क्या होता है, एचएसएस एक्चुअली एक डेटाबेस होता है, ठीक है। इस डेटाबेस में आपका हर डिटेल स्टोर होता है,
जितने भी यूजर्स होते हैं ना, जो मान लीजिए आप सिम खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपका सारी इंफॉर्मेशन जो है HSS में स्टोर होता है, ठीक है, आपका लोकेशन सिम अगर एक्टिव है तो सिम का लोकेशन क्या है वो भी HSS में स्टोर होता है, ठीक है, आप किस MME से कनेक्टेड हो अभी वो भी HSS में स्टोर होता है, आप किस इनोडी से कनेक्टेड हो वो भी HSS में स्टोर होता है, मतलब आपका हर एक मोमेंट HSS में स्टोर होता है, एक ये डाटाबेस होता है, पूरे एक नेटवर्क का डाटाबेस जो होता है उसको होम सब्सक्राइबर सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी फंक्शनलिटी सिर्फ इतनी होती है कि आपका सारा डाटा ये स्टोर कर रखेगा, जब भी किसी दूसरे नोड को ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी, कोई दूसरा नोड चाहता है आपको आपके बारे में जानकारी लेना तो ये जानकारी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए इससे जो भी HSS से जो भी कम्युनिकेशन होता है वो डायमीटर कम्युनिकेशन होता है। डायमीटर कम्युनिकेशन मतलब डायमीटर एक्चुअली ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, और अकाउंटिंग पर्पज से कि आपकी बिलिंग क्या होनी चाहिए, आप ऑथराइज पर्सन है कि नहीं है, ठीक है, और सिक्योर्ड है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें HSS से हैंडल होती हैं, ठीक है। अब MME, ठीक है, MME क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग एक्सचेंज बिटवीन इनोड बी एजिएशन इन 3G एंड EPC नेटवर्क, इट प्रोवाइड मैनेजमेंट ऑफ यू कंटेक्स्ट क्रिएशन मोबिलिटी कंट्रोल एंड बियरर कंट्रोल। मतलब MME एक चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मेनली हैंड ओवर को होता है, बियरर क्रिएट करने का होता है, ठीक है, और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, मतलब कुल मिला के आपके मोबाइल की मोबिलिटी कंट्रोल करती है ये, ओके, इसको हम मोबाइल मैनेजमेंट एंटिटी बोलते हैं, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी बोलते हैं, ये आपके मोबाइल की मोबिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑफलाइन चार्जिंग, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम, ठीक है, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम क्या है, ये PCRF से कनेक्टेड होता है, ठीक है, PCRF से कनेक्टेड होता है, जब आप कॉल करते हो तो जो प्रीपेड कनेक्शन होते हैं, ठीक है, प्रीपेड कनेक्शन के लिए ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम होता है, जितने मिनट आप बात के उतना आपका पैसा तुरंत डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम होता है, इसको OCS बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑफलाइन चार्जिंग सिस्टम, ऑफलाइन चार्जिंग सिस्टम मतलब पोस्टपेड कनेक्शन आपने लिया है, ठीक है, तो आप कितना यूज करो आपका बिल तुरंत नहीं कटेगा, ठीक है, मंथली आपका चार्ज होगा, ठीक है, तो आप ऑफलाइन बिल पे करोगे, ठीक है, तो उस सिस्टम, वो सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ आपकी कॉल रिकॉर्ड रखेगा कि आप इतने इतने ड्यूरेशन कॉल किए, पूरे मंथ में कितने ड्यूरेशन कॉल किया, उसका क्या बिलिंग होनी चाहिए, ये जो सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, आपका पूरा मंथली चार्ज, उसको ऑफलाइन चार्जिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एक नोड है जो पर्टिकुलर एक नोड बनाया गया है, इस नोड पे सारा आपका कैलकुलेशन होता है कि जो भी चार्जिंग होनी चाहिए, आपका कॉल रेट क्या कटनी चाहिए, SPR में से SPR एक नोड होता है, SPR में आपका सारा डाटा फीड होता है कि आप किस तरह का रिचार्ज आपने कराया है, या फिर आप पोस्टपेड कनेक्शन लिए, पोस्टपेड कनेक्शन ने कितना, मतलब उसमें भी कुछ वो होता होगा कि कितना आप यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है, आप जितना भी यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, ओके, क्या लाइक पोस्टपेड, हाँ, ऑफलाइन चार्जिंग सिस्टम पोस्टपेड है, ठीक है, पोस्टपेड में जो भी आपका बिल आएगा वो ऑफलाइन चार्जिंग सिस्टम में कैलकुलेट होगा, ठीक है। PCEF पॉलिसी एंड चार्जिंग इन्फोर्समेंट फंक्शन, ये क्या करता है, ये सिर्फ PCRF और उसके मतलब चार्जिंग सिस्टम के बीच का इंटरफेस होता है। PCEF ये क्या करता है कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपका ऑफलाइन चार्जिंग सपोज करता है, अपने ऑफलाइन चार्जिंग सिस्टम से आपको कनेक्ट करना है, आप प्रीपेड हैं, ठीक है, आप प्रीपेड यूजर हैं, तो आपने कॉल इनिशिएट किया, एक जब कॉल इनिशिएट किया तो वो पहले आपकी कॉल पहले PCRF के पास जाएगी, ठीक है, PCRF क्या करेगा, PCEF को फॉरवर्ड करेगा, PCEF क्या करेगा, चार्जिंग सिस्टम से पूछेगा कि इसके पास कोई, मतलब ये किस तरह का यूजर है, पोस्टपेड है या प्रीपेड है, तो OCS इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है, तो प्रीपेड इसके पास रिचार्ज है या नहीं है, ठीक है, अगर रिचार्ज है तो क्या डिडक्शन होना चाहिए, कितने रुपए पर मिनट या कितने पैसे पर मिनट किस हिसाब से इसको चार्ज करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद जो है आपको आईपी बियरर जो है रिसोर्स एलोकेट करेगा, ठीक है, जब
सारी पॉलिसी चेक कर लेगा आपका कि आपके पास मतलब क्या क्या आपको चार्ज करना है। उसके बाद अगर आप उस कंडीशन में आते हो तो आपको बियरर प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो वो आपका बियरर प्रोवाइड नहीं होने देगा। फिर उसको आप उसके बाद आपको टोन आ जाएगा इनसफिशियंट बैलेंस। ओके, तो ये होता है पीसीईएफ का फर्क। पीसीआरएफ पॉलिसी चार्जिंग रूल फंक्शन, ये एक्चुअली इसके पास सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमें किसी भी यूजर को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये रूल्स जो जो भी लेता है, ये सारे रूल्स जो है एसपीआर से लेता है, ठीक है। जैसे पोस्टपेड यूजर है तो भी एसपीआर से इसका डाटा ले लेगा और सारा डाटा इसके पास रहेगा। पीसीआरएफ एक्चुअली मेन चीज होता है कि जैसे कि आप कोई सपोज दैट आपने 10 रुपए का रिचार्ज किया, ठीक है, तो पीसीआरएफ को ये नहीं पता रहेगा कि 10 रुपए का रिचार्ज है, ठीक है। पीसीआरएफ को ये पता रहेगा कि 10 रुपए का रिचार्ज का एक कोड होता है, ठीक है, सिर्फ उसको ये कोड पता रहेगा, इस कोड के लिए हमें इतना चार्ज करना है। पीसीआरएफ को सिर्फ इतना पता है ये पर्टिकुलर कोड के लिए हमें इतनी चार्जिंग करनी है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि आपने 10 रुपए का रिचार्ज किया, सिर्फ 10 रुपए वाले रिचार्ज के लिए कोड डिफाइंड है पीसीआरएफ में, सिर्फ वो कोड को रीड करेगा कि इस बंदे के पास इस कोड का पॉलिसी है, ठीक है, इस बंदे ने ये पॉलिसी होल्ड किया है तो इसको इस हिसाब से चार्ज करनी है, ठीक है। पीसीआरएफ ये डिसाइड करता है, पीसीआरएफ सिर्फ एक डिसीजन लेता है हमें चार्ज कितना करना है, ठीक है। और ये उसको कहां से पता चलेगा, ये उसको पता चलेगा एसपीआर से, ठीक है। सब्सक्राइबर रिप्रेजेंटेटरी प्रोफाइल होता है, उसमें सारा डाटा जो पीसीआरएफ उससे लेगा और उस वहां से उसको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर रिचार्ज के लिए कितना चार्जिंग होना चाहिए, ठीक है। नहीं विवेक, आप जो क्वेश्चन किए हो स्क्रेच करके कोड डालते हो, नहीं वो कोड नहीं होता है एक्चुअली, ये पॉलिसी कोड अलग होती है जो ऑपरेटर डिफाइन करता है, ठीक है। आप जो स्क्रेच करके जो स्क्रेच करके कोड होता है आपका, वो तो सिर्फ एक अलग अलग कोड हो गया, वो नहीं होगा, ठीक है। जो ऑपरेटर होता है एक पर्टिकुलर रिचार्ज के लिए 10 रुपए के लिए एक कॉमन कोड हो जाएगा, 20 रुपए के लिए एक अलग कोड हो जाएगा, ऐसे हर रिचार्ज के लिए एक अलग अलग कोड वो डिफाइन करते हैं ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन आप जो स्क्रेच करते हो हर यूजर के लिए अलग अलग होता है, तो वो चीज अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉलिसी नंबर, जैसे सपोज दैट आपने गए LIC कराने, ठीक है, तो LIC में अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, जो LIC एजेंट होगा आपको कई तरह की पॉलिसी दिखाएगा, ठीक है। आपको 1 महीने में 5,000 जमा करना है, 1 महीने में 10,000 जमा करना है, 1 महीने में कितना जमा करना है, ये पॉलिसी आपको दिखाएगा LIC एजेंट, ठीक है। तो आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो, तो हर पॉलिसी का एक अलग नंबर होता है। आपने मान लो कोई ए पॉलिसी लिया, तो ए पॉलिसी का मान लो ए पॉलिसी में 5,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं, कोई बी पॉलिसी ले रहे हो, बी पॉलिसी में 20,000 जमा कर रहे हैं करने रहे, ठीक है। तो इसका ए पॉलिसी का आपका जो कोड हो गया ए, ठीक है, उसी तरह बी पॉलिसी का बी कोड हो गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज डिफाइंड होता है, पीसीआरएफ में हर एक रिचार्ज के लिए अलग अलग पॉलिसी नंबर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो पीसीआरएफ वो डिसाइड करता है, ठीक है। किसी को कोई इशू अभी? ओके, फिर आते हैं पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू क्या है? पब्लिक डेटा नेटवर्क गेटवे, प्रोवाइड गेटवे फंक्शनलिटी बिटवीन ईपीसी एंड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी नेटवर्क, यहाँ पर इंटरनेट, ठीक है, प्रोवाइड एंड प्लान सर्विसेज। देखिए इसका क्या रोल है पीजीडब्ल्यू का, एक्चुअली पीजीडब्ल्यू एक ऐसा गेटवे है जो इंटरनेट एक अलग आपका आईपी नेटवर्क होता है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि एक आईपी नेटवर्क अलग होता है, ठीक है, आपका जो कोर नेटवर्क है LTE का, वो तो सिर्फ एक ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेट से कनेक्ट कराता है आपको। आपका जो पूरा LTE का नेटवर्क है वो इंटरनेट नहीं है एक्चुअली, जो डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सारे ऑपरेटर्स, वो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट का एक अलग ही नेटवर्क होता है, ठीक है। हमारा LTE क्या करता है,
सिर्फ एक गेटवे प्रोवाइड करता है आपको उस इंटरनेट नेटवर्क से और आपके यूई को कनेक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो पीजीडब्ल्यू का काम वही होता है कि आईपी नेटवर्क से आपको कनेक्ट कराएगा। आईपी नेटवर्क से तब कनेक्ट कराएगा जब पॉलिसी आपका चेक करेगा, ये पीसीआरएफ जो है पॉलिसी कंफर्म करके पीजीडब्ल्यू को कंफर्म करेगा कि इस बंदे के पास पर्टिकुलर, सपोज दैट आपने 1 GB का प्लान लिया है तो आपका कितना डाटा भी रिमेनिंग है ये पीसीआरएफ कंफर्म करेगा। आपके पास सपोज दैट डाटा खत्म हो गया, सारे जितने एमबी थे आपने यूज कर लिया, ठीक है, तो पीसीआरएफ चेक करेगा कि आपके पास कोई एमबी नहीं है। तो पीसीआरएफ पीजीडब्ल्यू बोलेगा कि ये इसके पास डाटा खत्म हो गया है, तो पीजीडब्ल्यू क्या करेगा, उसको आईपी नेटवर्क पर जाने से अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। आईपी नेटवर्क से ये तभी अलाउ करेगा जब पीसीआरएफ इसको कन्फर्मेशन देगा कि इसके पास डाटा है, इसको अलाउ करो। तो ये पीजीडब्ल्यू बिना पीसीआरएफ के कन्फर्मेशन से कभी भी इसको अलाउ नहीं करता है। आप जैसे देख रहे हो ये है पीजीडब्ल्यू और ये पीसीआरएफ, ठीक है। पीजीडब्ल्यू और पीसीआरएफ के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जीएस इंटरफेस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे क्वेरी करता है किसी भी यूजर के बारे में। फिर ये क्या करता है, एक एसपीआर सर्वर होता है, इसमें एसपीआर दिखाने गया है, एसपीआर से सारी पॉलिसी लेके, ठीक है, फिर उसके बाद देखता है कि इस यूजर के पास क्या पॉलिसी ऑन है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो अलाउ करना है या नहीं करना है, वो पीजीडब्ल्यू को इन्फॉर्मेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग पीजीडब्ल्यू जो है उसको अलाउ करा किसी भी आईपी नेटवर्क में जाने के लिए, ठीक है। तो ओके, आईपी नेटवर्क में जाना है या फिर अगर आईएमएस नेटवर्क पे भी जाना है तब भी इससे पीसीआरएफ से ऑथेंटिकेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। पीसीआरएफ एक ऐसा नोड है जो ये चेक करेगा कि आपके पास आप उसके एबल हो, कॉल करने केबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये था आपका पीजीडब्ल्यू। सर्विंग गेटवे क्या है, सर्विंग गेटवे एक्चुअली ये आपका एमएमई से भी कनेक्टेड होता है और पीजीडब्ल्यू से भी कनेक्टेड होता है। सर्विंग गेटवे टनल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट द ईपीसी बियरर, इट आल्सो एक्ट एज अनदर एंकर प्लान ड्यूरिंग द हैंडओवर बिटवीन द इनओबी विदिन द सिस्टम। हाँ, एक्चुअली सर्विंग गेटवे आपका कहाँ पे है, ये है सर्विंग गेटवे और ये है इनओबी, ठीक है। जब आपका बियरर क्रिएट हो जाता है, जब आपका सपोज दैट आप पीआरएस से सारा कम्युनिकेशन हो चुका, अब पीजीडब्ल्यू आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। जब अलाउ कर रहा है तो क्या होगा कि ये बियरर रिक्वेस्ट डालेगा, ठीक है। मैं एलटी अटैच बताऊंगा आपको तब उस टाइम आपको पता चलेगा कि बियरर कैसे क्रिएट हो रहा है। तो ये पीजीडब्ल्यू क्या करता है, बियरर के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो एसजीडब्ल्यू उस रिक्वेस्ट को इनओडबी को भेजता है, ठीक है। फिर इनओडबी उस बियरर को कन्फर्म करता है, फिर एक एसजीडब्ल्यू और इस इनओडबी के बीच में एक बियरर बन जाता है जो कि एशवन यू, ठीक है, इंटरफेस बोलते हैं इसको, ये यूजर प्लेन एक्चुअली इसको बोलते हैं। जो भी इधर से जो कम्युनिकेशन होता है यूजर प्लेन पे होता है, जो इधर से होता है वो सिग्नलिंग प्लेन होता है, ठीक है। जो एमएमई से जो कम्युनिकेशन होता है उसको सिग्नलिंग प्लेन बोलते हैं, और जो ये एसजीडब्ल्यू से कम्युनिकेशन होता है उसको यूजर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यूजर प्लेन पे हमेशा यूजर का डाटा फ्लो होता है, यूजर का डाटा मतलब जैसे कि आप किसी आईपी नेटवर्क से, जैसे कि आप कोई ब्राउजिंग कर रहे हो, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, या फिर आप कॉलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, वो आपका डाटा इधर से फ्लो होगा। लेकिन हमें कनेक्शन के लिए, नेटवर्क से कनेक्शन हमें चाहिए तो वो इधर से होगा, ठीक है। जैसे अटैच हो रहा है, एलटी नेटवर्क से अटैच हो रहा हो तो वो सारे फंक्शन इधर से होंगे, ठीक है। आप इंटरनेट से, इंटरनेट चाहते हो हमारे इंटरनेट चले, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा इस डायरेक्शन से होगा, ऐसे इस डायरेक्शन से होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है S1 और SU में, ठीक है। सो SGW का क्या फंक्शनलिटी था, आपका हैंडओवर का भी काम करता है ये। जब भी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से हैंडओवर करोगे तो SGW से ये यूजर प्लेन आपका चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे बियरर बनाने का भी काम SGW से ही होता है, ठीक है। तो अभी हमने MMU के बारे में जाना, SGW के बारे में जाना, PGW, OCS, ठीक है, और HSS, इसके बारे में जाना हमने, PCRF के बारे में जाना हम, मतलब हमने LTE नेटवर्क सारा हम जान चुके हैं। LTE नेटवर्क में ये सारे नोड्स होते हैं, ठीक है। तो LTE नेटवर्क में किसी को कोई इशू, एनीवन, आई थिंक नो इशू,
Anyone? So, okay, let's move. अब हम आते हैं वोल्टी पे. वोल्टी में एक्चुअली बहुत सारे होते हैं, ठीक है. हम इसमें मेन मेन चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपका HSS तो कॉमन होता है, वोल्टी. और जैसे आप HSS का फंक्शनलिटी देख रहे हो आप, ये HSS आपके LTE में भी है और वोल्टी में भी है, ये कॉमन होता है, ठीक है. उसके बाद हम पढ़ते हैं CSVF के बारे में, ऑल सेशन कंट्रोल फंक्शन, ठीक है. ऑल सेशन कंट्रोल फंक्शन, प्रोसेस शिफ्ट सिग्नलिंग इन IMS नेटवर्क, इट्स रोल्स इंक्लूड प्रॉक्सी, इंटरगेटिंग फंक्शन, शिफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड शिफ्ट सर्विस फंक्शन. CSVF इंटरली इंक्लूड द प्रॉक्सी, ये तीन प्रॉक्सी इसमें इंक्लूड होते हैं, PCSEF, SCSEF, ICSEF. जैसा कि आप देख रहे हैं, ICSEF और SCSEF ये एक साथ होते हैं, और PCSEF ये सेपरेट भी हो सकता है, इनके साथ में भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पे सेपरेट दिखाया गया SBC के तौर पे, ठीक है. इनके साथ कहीं कहीं साथ में इंस्टॉल किया जाता है, कोई कोई क्या करते हैं सेपरेट भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है. तो ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं. जैसे PCSEF आप देख रहे हो यहाँ पे SBC में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है. एज SBC ही होता है PCSEF, क्योंकि ये सिक्योरिटी का काम ये भी करता है, और सेशन बॉर्डर कंट्रोलर होता है. सेशन बॉर्डर कंट्रोलर मतलब हमारे IMS का जो बॉर्डर होता है वहां से इसका ये कंट्रोल होता है, ठीक है. सो ये होता कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन का फंक्शनलिटी, कि ये किसी भी सेशन को इनिशिएट करता है, टर्मिनेट करता है या फिर मेंटेन करता है, ठीक है. SCSEF जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, IMS का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो SCSEF पे ही रजिस्ट्रेशन होता है. ये जो आप नोट देख रहे हो SCSEF, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ओके. जो PCSEF आई है, यहाँ पे देख रहे हो PCSEF जो है सिक्योरिटी चैनल क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन बोलते हैं. सिक्योरिटी चैनल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, UE और PCSEF के बीच में, ठीक है. और जो ICSEF क्या है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग प्रॉक्सी है. इंटीग्रेटिंग प्रॉक्सी मतलब इसका काम है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना और HSS से क्वेरी करेगा, ठीक है. HSS से क्वेरी करके यूजर का इंफॉर्मेशन लेगा और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग SCSEF सेलेक्ट करेगा. वो चीज जब रजिस्ट्रेशन में बताऊंगा उसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा, ICSEF की मेन फंक्शनलिटी आपको वहां पे कंफर्म होगी, ठीक है. तो ये था आपका PCSEF और ICSEF और SCSEF, ठीक है. टैस्क पे आते हैं, टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर. टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर एक्चुअली क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्विसेज को कंटेन करता है. सर्विसेज मतलब जैसे आप पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल ट्रांसफर, कॉल बिजी, मतलब जितने टाइप के कॉल फ्लो पढ़े हैं ना आपने, वो सारे कॉल फ्लो की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं वो टास्क से प्रोवाइड होते हैं. आप कॉल फॉरवर्डिंग लगा रहे हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग लगा रहे हैं, तो कॉल फॉरवर्डिंग के लिए आपने कोई नंबर दिया होगा कि हमारे अगर मैं बिजी हूँ तो इस नंबर पे कॉल ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉल फॉरवर्ड होना चाहिए. तो वो नंबर कहाँ सेव हुआ, नेटवर्क में कहीं तो सेव होगा, तो वो नंबर आपका यही टेस्ट में ही सेव हो जाता है, ठीक है. आप जो भी अपने जो भी सर्विस चाहते हो वो सारी सर्विस जो है टेस्ट से प्रोवाइड होती है, ठीक है. टेस्ट का ही काम होता है. MRF मीडिया रिसोर्स फंक्शन, मीडिया रिसोर्स फंक्शन के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, मीडिया रिसोर्स फंक्शन प्रोसेसर और मीडिया रिसोर्स फंक्शन कंट्रोलर, ठीक है. ये दोनों कॉन्फ्रेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है. इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल है यहाँ से क्रिएट होती है. जो कॉन्फ्रेंस सर्वर की बात हम कर रहे थे वो यही सर्वर है, ठीक है. MRFP बोलते हैं उसको, मीडिया रिसोर्स फंक्शन प्रोसेसर बोलते हैं. जो इसके अंदर मैंने बोला दो पार्ट होता है, एक कंट्रोलर होता है, एक प्रोसेसर होता है. तो जो प्रोसेसर होता है वो एक्चुअली कॉन्फ्रेंस कॉल को होल्ड करता है, ठीक है. तो आपको ये सारे नोट्स पता हो गए. फिर आते हैं BGP पे, ये है ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन. ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन क्या करता है कि जब भी आपकी कॉल, कोई कॉल, सपोज दैट आप वोल्टी नेटवर्क से 2G नेटवर्क कर रहे हैं या 3G नेटवर्क कर रहे हैं, जिसको हम CS कॉल बोलते हैं, जैसे CS PSTN, ठीक है. PSTN मतलब लैंडलाइन,
ठीक है, किसी भी सीएस नेटवर्क या लैंडलाइन नेटवर्क पे आप कॉल कर रहे हैं किसी वोल्टी मोबाइल से, तो कॉल आपकी इधर से होके ऐसे आएगी, ठीक है, यहां से जाके फिर वो ब्रेकआउट गेटवे पे चली जाएगी, ठीक है, ब्रेकआउट गेटवे पे चली जाएगी और वो कॉल जो है यहां से सीएस नेटवर्क पे चली जाएगी। एमजीडब्ल्यू क्या करेगा, ये मीडिया गेटवे होता है, ये क्या करते हैं आपके मीडिया जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे सिप प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, अभी तक यहाँ पे सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल यूज हो रहा था, अब यहाँ पे इसके बाद ये SS7 प्रोटोकॉल यूज होगा, तो ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम करता है, ठीक है। मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन का काम मेनली होता है प्रोटोकॉल कन्वर्जन का काम, ठीक है, तो प्रोटोकॉल कन्वर्ट करके ये सीएस नेटवर्क पे आपकी कॉल ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वोल्टी टू वोल्टी कॉल कर रहे हैं तो आपकी कॉल जो है ये SCSCF पे जाएगी, SCSCF से फिर ये दोबारा इस पे आएगी, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर पे आएगी, वहां पे ये IBCF काम करेगा, आप यहाँ देख रहे हो IBCF, ठीक है, तो IBCF पे कॉल आएगी, PCSCF से होके SCSCF पे जाएगी, फिर ये IBCF पे जाएगी, फिर IBCF से ये आपका दूसरे IMS नेटवर्क पे, जो टू अदर, यहाँ आप देख रहे हो टू अदर IMS नेटवर्क, तो कोई अदर IMS नेटवर्क रहेगा उस पे कॉल चली जाएगी, ठीक है, तो ये वोल्टी टू वोल्टी कॉल ऐसे होगा, ठीक है। तो ये था आपके नोट्स और कॉल्स कैसे फ्लो होंगी उसका सिनेरियो। अब हम आते हैं इंटरफेस पे, ठीक है, इंटरफेसेस आप देख रहे हो LTE कंट्रोल प्लेन लिंक और LTE यूजर प्लेन लिंक। LTE कंट्रोल प्लेन लिंक पे क्या है, S1 MME, ठीक है, S5 S8 S10 S11 S6 GX GY H2 SGS। अब जैसे देखो ये है S1 MME है, ठीक है, ये किसके बीच में है, UNODB और MME के बीच में है, ठीक है, UNODB और MME के बीच में S5 S8 आप देख रहे हो ये है S5 S8, ठीक है, ये किसके बीच में है, SGW और PGW के बीच में, जो भी SGW और PGW के कम्युनिकेशन होगा वो S5 और S8 इंटरफेस से होगा। S5 का मतलब आपका लोकल नेटवर्क मतलब, और S8 का मतलब रोमिंग नेटवर्क, ठीक है, अगर रोमिंग नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है तो S8 यूज होगा, और लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है S5 यूज होगा, ठीक है। S10 एक्चुअली एक MME से दूसरे MME के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसे S10 बोलते हैं, ठीक है, S10 इंटरफेस बोलते हैं, जो भी कनेक्शन होता है उनके बीच में उसको S10 इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। S11 इंटरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे MME और SGW के बीच में, ठीक है, MME और SGW के बीच में GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है, तो GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल के लिए आपका S10 और S11 इंटरफेस जो है यूज होता है, ठीक है। उसी तरह S6A आपका HSS और MME के बीच में यूज होता है, ठीक है, इसके डायमीटर प्रोटोकॉल फ्लो होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ आप GX और GY, ये चार्जिंग के लिए एक्चुअली आपका GY जो है EGW से ऑफलाइन ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम पे जाता है, और GX जो है PCRF से जो कम्युनिकेशन होता है, और PGW का वो आपका GX इंटरफेस बोलते हैं उसको, ठीक है। H2 इंटरफेस एक्चुअली एक UNODB, सपोज दैट एक और UNODB है, ठीक है, तो इस UNODB और इस UNODB के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो H2 इंटरफेस के थ्रू होता है, इनके बीच में जो भी कनेक्शंस होते हैं उसको H2 इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह आप SGS, ठीक है, अब आते हैं हम जब 3G और 2G के बीच में होता है, सॉरी 3G और 4G के बीच में वो होता है SGS, ठीक है, वो है आपका ये MST और MME के बीच में SGS, ठीक, जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब जैसे ये LTE यूजर प्लेन लिंक में S1U, S5, S8 और SGI,
ठीक है, आपका ये जो है यूजर प्लेन होता है, तो यूजर प्लेन के लिए ये इंटरफेसेस यूज हो रहे हैं, S1U, फिर SGI, ठीक है, और GM जो है ये SIP के लिए अलग होता है, ठीक है, अभी ये इसका फंक्शनलिटी हम बताएंगे आगे, ठीक है। फिर ये आपका इंटरनल IMS कंट्रोल प्लेन लिंक में होता है, IMS के अंदर ये सारे इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, इन सबका अलग अलग यूजेज है, अभी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। SSH इंटरफेस, जैसे कि आप देखो ये HSS और TAS के बीच में SSH इंटरफेस, और हाँ ये सारे इंटरफेसेस इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक इंटरफेस किसके किसके बीच में होता है आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कौन सा इंटरफेस किसके बीच में होता है और क्या इंटरफेस का नाम क्या है, एक एक इंटरफेस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हर एक इंटरफेस का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे SSH और इसके बीच में ICS के बीच में CX इंटरफेस होता है, CX इंटरफेस का बहुत बड़ा रोल है, SSH इंटरफेस का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इंटर रजिस्ट्रेशन में इन दोनों का बहुत बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, CX और SSH इंटरफेस आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। फिर GX इंटरफेस मस्ट है, PCRF से जो भी कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये चीज मस्ट मस्ट आप याद रखिएगा IMS के केस में, ठीक है, एक ये इंटरफेस आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट याद रखना जरूरी है, ठीक है, ये MW आपका SCSF और IC उसके बीच में क्या बोलते हैं PCSF के बीच में होता है, ठीक है, MX इंटरफेस आपका IPCF और SCSF के बीच में होता है, ISC TAS के बीच में, MR-DAS और MR ये TAS और MRF के बीच में, और ये CSCF और MRF के बीच में MR, ठीक है, उसी तरह MI इंटरफेस BGCF के बीच में होता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है, MJ इंटरफेस BGCF और MGW के बीच में हो रहा है, ठीक है, MG इंटरफेस डायरेक्ट CSCF से इसके बीच में हो रहा है MGW के, ठीक है, ये सारे इंटरफेस आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब ये चीज ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, IMS में क्या क्या नोड्स होते हैं, जैसे ICSF, SCSF, ठीक है, PCSF, फिर ATCF, ATGW, IBGW, TRGW, ये सब कहाँ पे हैं, जैसे आप देख रहे हो ये PCSF, ATCF, ATG, IBC, TRGW, ये सारी चीजें ना SBC के अंदर आती हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद MGCF, ये भी डिस्कस हो, मतलब इसमें सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है, तो ये सारे नोट्स आपको याद रखने की जरूरत है, और सारे नोट्स की फंक्शनलिटी भी मैंने बता दिया क्या क्या फंक्शनलिटीज होते हैं, तो ये फंक्शनलिटी भी आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। अब सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल की, तो अभी तक आप पढ़ ही रहे थे सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होता क्या है, ये कम्युनिकेशन को क्रिएट करता है किसी भी सेशन को, ठीक है, सेशन को क्रिएट करता है, उसको स्टे रखता है, फिर टर्मिनेट करता है, इसका मेन काम यही है, फिर निगोशिएशन का काम करता है इसमें, ठीक है, निगोशिएशन मतलब मीडिया निगोशिएशन, इस मीडिया पे हमें बात करनी है, ठीक है, ये इसका काम होता है। फिर फाइव फंक्शनलिटीज के होते हैं, यूजर लोकेशन, यूजर अवेलेबिलिटी, यूजर कैपेबिलिटी और सेशन सेटअप, सेशन मैनेजमेंट, ठीक है, SIP में ये सारे चीजें होती हैं, ठीक है, यूजर लोकेशन का आपने देखा ही होगा, यूजर अवेलेबिलिटी मतलब यूजर अवेलेबल है नहीं है, ये SIP का फंक्शनलिटी होती है SIP प्रोटोकॉल की, ठीक है, यूजर कैपेबिलिटी, यूजर की क्या क्या कैपेबल है, क्या सपोर्ट कर सकता है, ये आप SDP में पढ़े होंगे आप, ठीक है, सेशन सेटअप, सेशन कैसे सेटअप होता है वो भी आपने पढ़ा है, सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट कैसे, जैसे कि किसी सेशन को टर्मिनेट करना है या फिर उसको फॉरवर्ड करना है, स्टेबल रखना है, क्या करना है, सारी चीजें अपने सारे कॉल फ्लो में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, तो ये सिर्फ फंक्शनलिटी है। फिर आते हैं डायमीटर पे, डायमीटर की एक अलग क्लास लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे बस आपको ओवरव्यू दे रहे हैं डायमीटर का, डायमीटर एक अलग प्रोटोकॉल होता है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल की तरह ही एक अलग प्रोटोकॉल है, ठीक है, लेकिन ये सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल क्या करता है, किसी भी सेशन को स्टार्ट करता है या फिर टर्मिनेट करता है, ठीक है, लेकिन इसका काम है ऑथराइजेशन का, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ठीक है, आप जैसे देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग, ठीक है, ये तीन सर्विस जो भी ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जो भी नोड ये तीनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
वो डायमीटर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे HSS क्या करता है, HSS एक डाटाबेस है। इस डाटाबेस में ये आपका सारा इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन पर्पज से HSS काम आता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पर्पज, या किसी को पर्सन को ऑथराइज करना है तो HSS से पहले ऑथेंटिकेशन लेना पड़ता है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी लेनी है, मतलब उसको ऑथेंटिकेट करना है, वो HSS से लेना पड़ता है। तो HSS से जो भी कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हो ये येलो लाइन, येलो जो लीजेंड बना हुआ है, डायमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो डायमीटर, डायमीटर सिर्फ ये डायमीटर का ही हो रहा है। देखो आप, डायमीटर मैसेज यहाँ जा रहा है, डायमीटर मैसेज, ये डायमीटर मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन का फंक्शन। ठीक है, अब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब आप समझ रहे हो, जो भी पॉलिसी, जो आपका चार्जिंग वगैरह होता है, वो सब अकाउंटिंग में आ जाता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पर्पज से जो भी कम्युनिकेशन होता है, वो PCRF से होता है, PCW से होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पर्पज से, ये भी अकाउंटिंग पर्पज से ही कम्युनिकेशन हो रहा है, और वो ये भी अकाउंटिंग पर्पज से ही हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन चार्जिंग के लिए, IMS के लिए, IMS की चार्जिंग के लिए होता है ये। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पर्पज से भी हम डायमीटर ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पर्पज से हम डायमीटर यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग के लिए हम डायमीटर प्रोटोकॉल यूज करते हैं मेनली। ठीक है, तो ये था डायमीटर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आते हैं इंटरफेसेस पे। इंटरफेसेस S6 इंटरफेस, S6 लिंक कनेक्ट, MME और HSS। अभी आपने देखा ये जो MME और HSS के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता वो S6 के बीच में होता है, ये डायमीटर लिंक होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, चेकिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन डाटा फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑथराइजिंग यूजर एक्सेस टू HSS, मतलब जो भी यूजर जो है MME से एक्सेस लेना चाह रहा है, तो MME क्या करेगा, HSS से पहले उसका ऑथराइजेशन चेक करेगा, ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। ठीक है, किसी भी यूजर का। ठीक है, तो वो जो है S6 इंटरफेस पे चेक, S6 इंटरफेस से सारा कम्युनिकेशन होगा MME और HSS के बीच में, जो भी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन का जो कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, सेम वैसे GX इंटरफेस बिटवीन PCRF एंड PGW। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपका पॉलिसी, देखिए जैसे कि हमने बताया था, यूजर विल प्रोवाइड 100 MB डाउनलोड स्पीड एंड वंस यूजर कंज्यूम ऑल इंटरनेट कोटा स्पीड विल बी रिड्यूस थ्रू आउट 128 KBPS बाय PCRF ओवर GX लिंक। ठीक है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास 100 MB वो था, पहले हमने मान लीजिए कोई ऐसा प्लान लिया था जिसमें डाउनलोडिंग स्पीड हमें 100 MBPS मिल रही थी। ठीक है, तो PCRF से पहले PCRF के थ्रू हमारा सारा कनेक्शन जा रहा था, तो PCRF जब भी चेक करता था आपका जो लिमिट थी वो भी एंड नहीं होती, तब तक आपको 100 MBPS डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही थी। ठीक है, लेकिन जब आपकी लिमिट एक्सीड कर गई, उसके बाद क्या हुआ, इसने 128 KBPS का स्पीड देने लगा। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, PCRF डिसाइड कर रहा है। ठीक है, PCRF डिसाइड कर रहा है, अब वो किस इंटरफेस से डिसाइड कर रहा है, GX इंटरफेस। ठीक है, ये जो GX इंटरफेस है PGW और PCRF के बीच में, वो सारी पॉलिसी कैलकुलेट करके वो जो इन्फॉर्मेशन है वो PGW से GX इंटरफेस पे शेयर करेगा। ठीक है, सर GY बिटवीन ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम आप ये देखें, जैसे OCS है और ये PGW है, जो भी ऑनलाइन ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम, मतलब तुरंत आपका जैसे आप कम्युनिकेशन करते जा रहे हो, आपका मतलब डाटा खत्म होता जा रहा, तुरंत यहाँ से वो चार्जिंग होती रहेगी कंटिन्यू। ठीक है, तो वो GX इंटरफेस से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, फिर S10 क्या है, MME टू MME कनेक्टिविटी होता है। जब कहीं आप किसी एक MME से दूसरे MME में हैंडओवर ले रहे हो, तब S10 ने इंटरफेस यूज होता है। जैसे ये MME है, ठीक है, और ये MME है, आई थिंक ये जो लोग टेलीकॉम में काम कर रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन फ्रेशर लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि ये कोर नेटवर्क है, ठीक है, इसी तरह एक दूसरा कोर नेटवर्क होगा, उस कोर नेटवर्क हैंडओवर के लिए
एमएमई टू एमएमई हैंडओवर होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप सपोज दैट आप लखनऊ में हो, ठीक है, लखनऊ की एक एमएमई अलग होगी, आप चले गए दिल्ली, दिल्ली की एमएमई अलग होगी, ठीक है। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि यूपी की जो भी वो टावर्स हैं, जो भी इनोडवीज हैं, वो लखनऊ के एमएमई से कनेक्टेड हैं, ठीक है, सपोज दैट। तो जो लास्ट टावर होगा यूपी का, फिर आप दिल्ली में जब क्रॉस कर रहे हो, दिल्ली का जो फर्स्ट टावर होगा उस टावर से दूसरे टावर पर ट्रांसफर होगा, वो सीधे एक एमएमई से दूसरे दिल्ली वाले एमएमई से हैंडओवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटर एमएमई हैंडओवर, ठीक है। तो वो होता है एस टेन इंटरफेस से, ठीक है, ओके। फिर S11 इंटरफेस एमएमई और SGW के बीच में, जिसमें GPRS टनलिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं, हैंडल फंक्शन वेरिफिकेशन डिलेशन पेजिंग कोऑर्डिनेशन एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एमएमई और SGW, एमएमई और SGW में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस लिए होता है, बियरर क्रिएट करना है, ठीक है। तो बियर क्रिएट करने के लिए ये रिक्वेस्ट करेगा SGW से, फिर PGW का उसके बाद फंक्शनलिटी आ जाएगी। तो ये S11 इंटरफेस से जो MME जो है, कोई भी SGW को कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है तो ये S11 इंटरफेस का यूज करता है। ये जो इंटरफेस है, जो ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन को S11 इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू MME और SGW कम्युनिकेशन करेंगे। S5 S8 क्या है कि एक तो आपका लोकल नेटवर्क में होगा, एक रोमिंग नेटवर्क में होगा, ठीक है। और S5 इंटरफेस प्रोवाइड यूजर प्लेन टनलिंग एंड टनलिंग मैनेजमेंट बिटवीन SGW एंड PGW, ठीक है। यूजर प्लेन के जो भी कम्युनिकेशन होंगे, ठीक है, वो SGW और PGW के बीच में जो लोकल नेटवर्क में S5 इंटरफेस से होगा। दिस इज बेस्ड ऑन GTP प्रोटोकॉल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ कंट्रोल एंड यूजर प्लेन। S5 इंटरफेस इंटरनल नेटवर्क एंड S8 इज द रोमिंग सिनेरियो, ठीक है। ये हमने बताया S8 रोमिंग सिनेरियो के लिए होता है, S5 जो है लोकल नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। और ये GTP प्रोटोकॉल इससे यूज होते हैं, ठीक है, GTP प्रोटोकॉल के थ्रू आपका SGW और PGW के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी बियरर क्रिएट करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट डालेगा, ये SGW जो है PGW को जो भी रिक्वेस्ट डालेगा बियरर क्रिएशन के लिए, या फिर ये जो रिस्पॉन्स देंगे बियरर क्रिएशन के लिए, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो इसके S5 या S8 इंटरफेस पे होगा। अगर रोमिंग में नहीं है तो S5 पे, अगर रोमिंग में है तो S8 इंटरफेस उसको बोला जाता है। सेम इंटरफेस होगा, बस उसको इंटरफेस नेम चेंज हो जाएगा अगर रोमिंग कम्युनिकेशन हो रहा है तो, ठीक है। S1 आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, एक होता है MME से कनेक्शन और MME और इनोडवी के बीच में कनेक्शन होता है, और एक MME और SGW के बीच में कनेक्शन होता है, जो आपने ये देखा था। और ये दो S1 और S1 MME और S1U, S1U मतलब यूजर प्लेन, S1 MME मतलब ये S1 सिग्नलिंग पर्पज से ये इंटरफेस होता है, मतलब जो भी आपका अटैच डिटैच जो भी करना हो वो सारी चीजें इधर से होंगी, जो यूजर कम्युनिकेशन होगा वो S1U इंटरफेस से होगा, ठीक है। SGI इंटरफेस इज यूज बिटवीन PGW टूवर्ड्स इंटरनेट और IMS नेटवर्क, ठीक है। SGI ये जो है PGW और IMS के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको SGI बोलते हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोई कॉल जो है IMS पर ट्रांसफर करना होगा तो PGW क्या करेगा, SGI इंटरफेस का यूज करेगा, ठीक है। SGS इंटरफेस आपका ये इंटरफेस है MSC और MME के बीच में, जो भी अगर कॉल हमारा सपोज दैट MME पे हैंड ओवर हो रहा है, सॉरी MSC पे हैंड ओवर हो रहा है, मतलब आपका 4G पे लैच हुई क्या हो रहा है वो 3G पे चला जा रहा है, तो उसका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो SGS इंटरफेस से होगा, ठीक है। RF इंटरफेस ये आपका RF इंटरफेस है, ठीक है। RF इंटरफेस एक्चुअली करता क्या है, ये पॉलिसी जो IMS जो पॉलिसी कंट्रोल्स होते हैं वो RF इंटरफेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो RF इंटरफेस ब्रिज बिटवीन IMS नेटवर्क एंड पैकेट कोर, द RF इंटरफेस यूज्ड बिटवीन PCSF और PCRF अलाउड रिक्वेस्ट अपॉइंटिंग पॉलिसी फॉर ए
session setup incoming and outgoing voice call. This RF interface is used to control the establishment of any type of incoming and outgoing call. जब कोई भी incoming या outgoing call हो रही है, ठीक है, तो ये RF interface के through PCSF आपका क्या करेगा? PCRF से PCSF जो यहाँ PCSF है, ये क्या करेगा? PCRF से communicate करेगा कि आप incoming या outgoing call को allow कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो ये जो है allow करेगा. तो इनके बीच में message क्या-क्या transfer होते हैं? ये सारे message exchange होते हैं. ठीक है, ये फिक्स्ड मैसेज है, यही सारे एक्सचेंज होते हैं आरएफ इंटरफेस से. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आंसर, ठीक है, रीऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, रीऑथराइजेशन आंसर, सेशन टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, सेशन टर्मिनेशन आंसर, अबॉर्ट सेशन रिक्वेस्ट, अबॉर्ट सेशन आंसर, ठीक है. तो ये सारी मैसेज जो है एक्सचेंज होते हैं, और इसका कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, जब आईएमएस पे जब कॉल फ्लो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब उस टाइम आपका आपको इसका यूज दिखेगा. ठीक है, तो पॉलिसी चार्जिंग कॉल फ्लो में पढ़ूंगा कैसे पॉलिसी चार्जिंग में कॉल फ्लो होता है. ठीक है, कोई भी यूजर जब वोल्टी कॉल कर रहा है, वोल्टी टू वोल्टी कॉल कर रहा है, तो उस पर कैसे कॉल जाएगी, वोल्टी टू 2G या 3G कॉल कर रहा है तब कैसे कॉल जाएगी, नोड बाई नोड, इंटरफेस बाई इंटरफेस में आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्यूचर में. ठीक है, सीएक्स इंटरफेस, CX इंटरफेस क्या था, ये HSS और SCSF और ICSF दोनों के बीच में है. ठीक है, SCSF और ICSF एक ही नोड में दोनों कंबाइंड होते हैं. HSS से CX इंटरफेस होता है. इससे क्या होता है, ये मेनली ये मैसेज जो है ट्रांसफर होते हैं UAR, MAR, SAR. ठीक है, ये यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, मीडिया ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, सर्वर असाइनमेंट रिक्वेस्ट. ठीक है, फिर उसके बाद घर से आंसर आता है. तो इसका काम, सीएक्स इंटरफेस का काम एक्चुअली जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी आपका यूई जो है आरएस नेटवर्क जब रजिस्टर कर रहा है, फर्स्ट टाइम जब अटैच हो रहा है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब भी मतलब अटैच हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सीएक्स इंटरफेस का वर्क होता है. ठीक है, सीएक्स इंटरफेस पे ये सारे मैसेज एक्सचेंज होते हैं, यूजर ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट, यूजर ऑथराइजेशन आंसर, सर्वर असाइनमेंट रिक्वेस्ट, सर्वर असाइनमेंट आंसर, लोकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, लोकेशन इंफॉर्मेशन, ये जो है इनकमिंग कॉल के टाइम पे यूज होता है. ठीक है, LIR, LIA, ये इनकमिंग कॉल जब आती है तब इसका यूज होता है. वो इनकमिंग कॉल का भी सिनेरियो मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है. ठीक है, मल्टीमीडिया ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट और मल्टीमीडिया, ये रजिस्ट्रेशन टाइम पे यूज होता है, ये भी रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो जाता है. ठीक है, रजिस्ट्रेशन टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, टर्मिनेशन रजिस्ट्रेशन जब हमारा एंड होता है, होता है उस प्रोफाइल रिक्वेस्ट, प्रोफाइल एंकर, ये जब HSS से जब हमारा वो प्रोफाइल बनता है तब उस कंडीशन में ये यूज होता है. ठीक है, SH इंटरफेस, SH इंटरफेस एक्चुअली क्या है, टेस्ट और HSS के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, टेस्ट बोले तो टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर, HSS में मतलब होम सब्सक्राइबर सर्वर. तो जब भी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये HSS है और टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर है. जब थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन मतलब किसी भी सर्विस के लिए आप क्या करते हो, खुद को टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर पे भी रजिस्टर करते हो. ठीक है, ताकि हमारी अलग अलग सर्विसेज जो है हम एक्टिवेट कर सकें. ठीक है, तो सर्विस एक्टिवेट करने के लिए हम टेलीफोन एप्लीकेशन सर्वर पर रजिस्टर करते हैं. तो रजिस्टर करने के ड्यूरेशन में ये टेस्ट जो है HSS से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है. ठीक है, तो HSS से जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो SH इंटरफेस पे ट्रांसफर्स होते हैं. ठीक है, ये सारे जो इंफॉर्मेशन, ये सारे मैसेज होते हैं SH इंटरफेस पे ट्रांसफर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं. ठीक है, यूजर डाटा रिक्वेस्ट, यूजर डाटा आंसर, प्रोफाइल अपडेट रिक्वेस्ट, प्रोफाइल अपडेट आंसर, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आंसर, पुश नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, पुश नोटिफिकेशन आंसर. ये सारी जब थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन आपको मैं बताऊंगा, तो थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में ये सारे मैसेज का यूज होता है. जब यूज होगा तो आपको ये अपने आप ये याद हो जाएगा ये सारे मैसेज. ठीक है, ये सारे मैसेज आपको स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएगा जब इसका यूज आप देखोगे. ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन का मैं पार्ट बताऊंगा तो ये सारे मैसेज का यूज आपको बताऊंगा उस ड्यूरेशन में. हर मैसेज में क्या क्या जाता है, क्या क्या कंटेंट करता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, फिर आपने जीएम और एमडब्ल्यू, जीएम
जीएम इंटरफेस, ये आपका होता है की यूज बिटवीन द कम्युनिकेशन जीएम इंटरफेस यूज बिटवीन द यूई एंड पीसीएचईएफ फॉर ऑल पर्पज रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन इनकमिंग आउटगोइंग कॉल सिप सिग्नलिंग। ठीक है, सिप सिग्नलिंग आपका ये जो है ना, ये डायरेक्ट यूई से जो भी सिग्नलिंग होती है पीसीएचईएफ के बीच में, जैसे कि रजिस्ट्रेशन जब होता है ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका जीएम इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, तो जीएम इंटरफेस से जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन पे जो भी मैसेज जाते हुए हैं वो जीएम इंटरफेस से जाते हैं। ठीक है, एमडब्ल्यू एनडब्ल्यू आपका ये है आईसीएसएफ और एससीएसएफ के बीच में, जो सीएसएफ के इंटरनल जो होता है इंटरनल जो कनेक्शंस होते हैं, जैसे आईसीएसएफ पीसीएसएफ और एससीएसएफ के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो कनेक्शन एमडब्ल्यू होते हैं। ठीक है, एमएस और एमजी, एससीएसएफ और आईबीसीएफ ये क्या होता है, आईबीसीएफ आपका यहाँ पे है। ठीक है, और एससीएसएफ ये है, जब हमें इंटरनेटवर्क वो करना होता है, इंटरनेट मतलब किसी दूसरे आईएमएस नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, तो हम आईबीसीएफ का यूज करते हैं, तो ये एससीएसएफ क्या करता है एमएस इंटरफेस के थ्रू ये आईबीसीएफ को कॉन्टेक्ट करता है। अगर पीसीएसएफ और एससीएसएफ के बीच में अगर हम कम्युनिकेशन देखें तो एमडब्ल्यू पे होगा, लेकिन जब आईबीसीएफ या इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा तो ये एमएक्स इंटरफेस पे होगा। ठीक है, ये था एमएक्स इंटरफेस। और एनजी इंटरफेस, एनजी इंटरफेस एक्चुअली एनजीसीएफ, आप जैसे देख रहे हो ये एनजी इंटरफेस है, ये डायरेक्ट जो है सीएसपीएफ जो है मीडिया गेटवे को कोई भी मीडिया कन्वर्जन होता है तो इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होते हैं, जब कॉल फ्लोज देखेंगे तो ड्यूरेशन में कंफर्म होगा, जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो एनजी इंटरफेस से होते हैं। ठीक है, एमआई एनजे एमआई आप देख रहे हो आईसीएसएफ और बीजीसीएफ के बीच में, एससीएसएफ और बीजीसीएफ के बीच में एमआई इंटरफेस होता है, जब भी कोई 2G नेटवर्क एक्सेबल डेटा आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में ये काम आता है एससीएसएफ और बीजीसीएफ के बीच में, इंटरवर्किंग विद पीएसटीएन फिर सीएस नेटवर्क पे भी, ये देखिए सर्किट स्विच नेटवर्क। ठीक है, सर्किट स्विच नेटवर्क या फिर पीएसटीएन पे जब भी कॉल जाएगी वो एमआई इंटरफेस से होकर जाएगी। ठीक है, एमजे इंटरफेस बस ये आपका सॉरी बीजीसीएफ और ये एमजीसीएफ, इसके बीच यहाँ पे दिया बिटवीन बीजीसीएफ और एमजीसीएफ, पीजीसीएफ और एमजीसीएफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है किसी प्रोटोकॉल कन्वर्जन के लिए, तो प्रोटोकॉल कन्वर्जन के लिए एमजे इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, आईएससी इंटरफेस एक्चुअली आप यहाँ पे देखो टेस और आईसीएसएफ के बीच में जो थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन होता है या फिर किसी भी सर्विस की नीड होती है आपको, तो उसमें आईएससी इंटरफेस यूज होता है। ठीक है, देयर आफ्टर एमआर और एमडैश ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, ये एमआर और ये एमआर और एमडैश ये इसके बीच में कम्युनिकेशन जो भी होता है इसका, जब तक आप वो देखोगे फंक्शनलिटी तब आपको अच्छे से समझ में आएगी, जब कॉल फ्लो बढ़ाएंगे तो कॉल फ्लो के ड्यूरेशन में आपको। हाँ, एक चीज आप देखिए एसवी और यूटी, एसवी और यूटी एक ऐसा इंटरफेस होता है कि एसवी एमएससी और एमएमई के बीच में जो इंटरफेस होता है, एक तो ये हैंडओवर के काम करता है एसजी जो मान लीजिए आईरेट हो रहा है, तो आईरेट होने के टाइम पे एसजी इंटरफेस, लेकिन एसवी क्या करेगा एसआरबीसीसी के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, एसआरबीसीसी क्या होता है, एसआरबीसीसी मान लीजिए आपकी वोल्टी कॉल चल रही है, वोल्टी कॉल के ड्यूरेशन में आपकी कॉल आईएमएस के थ्रू कंटिन्यू रहेगी लेकिन वो 3G नेटवर्क पर शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, तो 3G नेटवर्क के थ्रू आईएमएस से कनेक्टेड रहेगी, उसको एसआरबीसीसी बोलते हैं। ठीक है, तो एसआरबीसीसी के लिए हमारा ये काम आता है एसबी। ठीक है, और यूटी इंटरफेस, अब यूटी इंटरफेस क्या है, यूटी इंटरफेस एक्चुअली एक ऐसा इंटरफेस होता है जो डायरेक्ट यूई से ये जो इसी रूट तो यही रहेगा लेकिन वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा टेस्ट से। ठीक है, टेलीफोनिक एप्लीकेशन सर्वर से एक डायरेक्ट चैनल बन जाएगा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा।
ठीक है, इसमें बीच में कोई किसी का भी कोई इंटरप्शन नहीं होगा, वो यूवी और टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यूटी इंटरफेस, ये यूवी और टेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, रूट यही रहेगा आपका, लेकिन ये अलग दिखाया गया है कि ये इसके बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसको हम यूटी इंटरफेस बोलेंगे। यूटी इंटरफेस का एक्चुअली वर्क क्या होता है कि जो भी आप सर्विसेज ऑन करते हो, सर्विसेज का मतलब मैंने अभी बताया आपको, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग लगा रखो या फिर कोई कॉलर ट्यू ही मान लो आपने लगा रखा है, या फिर जैसे कॉल होल्ड पे डाल रहे हो तो किसी सर्वर पर ट्रांसफर हो जाता है, तो वो सारी सर्विसेज जो है ये टेस्ट पे प्रोवाइड होती है। तो वो सारी सर्विसेज यूटी इंटरफेस के थ्रू डायरेक्ट यूई को प्रोवाइड होता है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई बंदा बिजी है तो वो टोन जो आपको सुनाई देता है वो टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर से डायरेक्ट आपको यूई को सुनाई देता है वो टोन। ठीक है, तो ये था यूटी इंटरफेस का वर्क। ठीक है, सो इंटरफेस और नोड का फंक्शनलिटी, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई। बाकी जो आप लोग कॉल फ्लो पढ़ेंगे इसके इसके थ्रू, जब नोड नोड के साथ में जब कॉल फ्लो पढ़ेंगे तो हर एक चीज आपको वन बाय वन कंफर्म होगा, हर एक मैसेज आपको कंफर्म होगा, किस इंटरफेस पे क्या मैसेज आता है, किस इंटरफेस पे क्या मैसेज आता है, वो मैसेज आपको कॉल फ्लो के ड्यूरेशन में ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो जब कॉल फ्लो स्टार्ट करेंगे वोल्टी का तब ज्यादा अच्छे से हर कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी किसी को कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हो। एसवीसी से ही एनजीडब्ल्यू से किसी को कोई इशू? हाँ, जो कम्युनिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वन वे होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, सारे कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, सेल आईडी का ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, एक्चुअली रणधीर ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप कोई भी कॉल करने के लिए ऑथराइज्ड हो या नहीं हो, मतलब आपकी पहचान क्या है। ठीक है, आप कोई रैंडम यूजर आप अगर कोई कॉल कर रहा है तो जब तक नेटवर्क उस यूजर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक उसकी कॉल को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो नेटवर्क से आप नेटवर्क जब तक रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, आपका जो आइडेंटिटी जो आप प्रूफ आईडी प्रूफ दिया आपने सिम खरीदते समय आपने कोई आईडी प्रूफ दिया होगा, या फिर कहीं भी किसी भी नेटवर्क पे आप लॉगिन करते हो तो आपकी ईमेल आईडी या जो भी आइडेंटिटी आप देते हो, ठीक है, तो वो कहीं सर्वर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक आपके यूजर आईडी से ही एक कोड जनरेट करता है नेटवर्क, आपको सेंड करता है सिर्फ आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप ऑथेंटिक यूजर हो, मतलब सही में एक असली यूजर हो या फिर कोई फ्रॉड आपके नंबर से कोई फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज मेनली ऑथराइज करने के लिए ये यूज होता है ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का, आपकी पहचान जानने के लिए और सिक्योरिटी जानने के लिए आप कितने सिक्योर हो। ठीक है, तो ये होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? तो ठीक है, अब मैं सेशन टर्मिनेट कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में मैं कॉल फ्लो स्टार्ट करूंगा, तो अगले सेशन में एलटी अटैच आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एलटी अटैच में आप वो सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो आईएमएस से रिलेटेड है। ओके, सो इसके बाद फिर क्लास थोड़ा अच्छे से अटेंड करिए आप लोग, ज्यादा इम्पोर्टेंट है आईएमएस के लिए। ओके, और सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सेंड कर रखा है, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू ऑल।